बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप अपने बेसिक मोबाइल में अलार्म भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए मेन्यू पर आएं। अलार्म को चुनने के लिए आप दाएं बाएं बटन का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे से घड़ी वाले चित्र को आप चुनें और ओके करें। यहां पे आपके काफी सारे समय दिए गए हैं, जिस समय पे आप अलार्म लगाना चाहते हैं उसको ओके करें। अलार्म एक्टिवेशन को ऑन करें दाएं बाएं बटन का प्रयोग करते हुए। अलार्म का टाइम निर्धारित करें, उसके लिए आप टाइम बदल भी सकते हैं। समय बदलने के लिए कीपैड का प्रयोग करें। आप अपने अलार्म को दोहराना चाहते हैं तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं रिपीट से, डेली, वंस या वीकली आधारित। वीकली में अलग अलग दिनों पे अलार्म बजेगा, उनको भी आप यहां से सेट कर सकते हैं चेक मार्क लगा के। ओके दबाएंगे तो चेक लग जाएगा, अर्थात अलार्म इस दिन बजेगा। इसको ओके कर दें। इसके पश्चात आप आवाज या कंपन, किस प्रकार अलार्म चाहते हैं वो सुन सकते हैं। किस प्रकार की आवाज आए जब अलार्म बजे तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, अलार्म की आवाज का लेवल निर्धारित कर सकते हैं। उसके पश्चात आप एक से अधिक अलार्म सेलेक्ट करने के लिए भी आप इसी विधि का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। सेव करें, सेव करने के पश्चात आपका अलार्म सेट हो जाएगा। एंड्रॉइड मोबाइल में भी आप अलार्म सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप मेन मेन्यू पर जाएं, यहां से अलार्म का ऑप्शन चुनें। यहां पे आपके पास काफी सारे समय है, जिस समय अलार्म लगाना है उसको चुनें। समय आप दोबारा निर्धारित कर सकते हैं टाइम से। आप यहां छूकर समय सेट कर सकते हैं और फिर उसके पश्चात नीचे दिए गए डन ऑप्शन को चुने, फिर से डन चुने। आप एक से अधिक अलार्म भी सेट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। आप अलार्म को रिपीट भी कर सकते हैं दिनों के अनुसार। जहां पे आप ठीका अर्थात क्लिक कर देंगे वो दिन में अलार्म बजेगा। इसके पश्चात डन कर दे, आपका एंड्रॉइड मोबाइल पे अलार्म सेट हो जाएगा। इस तरह से आप अलार्म सेट कर सकते हैं।